नमस्कार किसान भाइयों, हमारा डेयरी फार्म चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, जो 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है जो बैटरी के बिना है, और इसमें क्या खास है इस पर आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ है सर जितेंद्र सिंह जी, तो ये बताएंगे आपको कि ये कैसे लगाया जाता है और इस पर क्या सब्सिडी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो मेरा नाम जितेंद्र सिंह, रूप सोलर कंपनी तो मैं। हाँ जी, असी प्रोजेक्ट दे विच गल करदे, बेसिक ज़्यादा ऑन ग्रिड सिस्टम दे विच करदे हैं। बिल्कुल जी। तो सर, जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, जो 3 किलोवाट का या 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम आम लगता है, तो आम में और इसमें कोई खास है जो वो आप बताएंगे कि इसमें खास क्या है? सर, पुराना ये सिस्टम टोटली पुरानी टेक्नोलॉजी से डिफरेंट है। ओके। इसमें जितने पैनल्स हैं उतने ही इन्वर्टर हैं। हाँ जी, ठीक सर। इसका बेनिफिट क्या है? पुरानी टेक्नोलॉजी में जितने इन्वर्टर होते थे उसका सारा डाटा एक इन्वर्टर में फील्ड कर देते हैं, सारा लोड एक में जाता था। ये क्या है, इसमें ये 3 किलोवाट का सिस्टम है, यहाँ पे 10 इन्वर्टर हैं, 10 ही पैनल्स हैं। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर आप देखो एक पे शैडो जाएगी। हाँ जी, यो एक पे एक पैनल को इफेक्ट करेगी, बाकी 9 को नहीं करेगी। पुरानी टेक्नोलॉजी में क्या था, 10 इन्वर्टर लगा, 10 पैनल थे, एक इन्वर्टर था, एक पैनल पे शैडो जाएगी वो बाकी की प्रोडक्शन को भी इफेक्ट करता था। ठीक है सर। सेकंड इसके एडवांटेज क्या है, इसमें डीसी लॉसेस 0 हैं, क्योंकि डीसी वायर कोई भी नहीं है, डायरेक्ट जो इन्वर्टर है पैनल के साथ ही अटैच कर दिया है। ठीक है सर। इसकी एसी आउटपुट ही डायरेक्ट निकलती है। ठीक है। पुराना जो टेक्नोलॉजी था उसकी एवरेज हम देते थे 1 किलोवाट की 4 यूनिट पर होती थी। ओके, इसकी 5-5.5 निकलती है, अगर वेरी करता है एरिया कौन सा है मौसम। ठीक है सर। तो इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत क्या है इसकी सर? सर ये कीमत जो पुरानी टेक्नोलॉजी है ये एडवांस्ड है, यूएसए की टेक्नोलॉजी है बेसिकली। ओके सर। जो इन्वर्टर्स हैं वहाँ से एक्सपोर्ट किए हुए हैं सारे। इसकी कॉस्ट जो पुरानी टेक्नोलॉजी से 10 रुपये पर वाट एक्स्ट्रा है। ठीक है। जैसे बेसिक पुराना लेके चलते टेक्नोलॉजी 65 रुपीज़ पर वाट जाती थी वो। ठीक है सर। ये 75+ वाट जाती है जीएसटी। ठीक है सर। तो इस पर जो सब्सिडी है, सब्सिडी कितनी मिल जाती है? सब्सिडी सर डिपेंड करता है आप कितने किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हो। अगर हम 1 से 3 किलोवाट का लेके चले हम, उसमें 24,000 पर किलोवाट की सब्सिडी मिलती है। ठीक है सर। अबव 3 किलोवाट जो ये बात कर रहे हैं सब्सिडी की, डिपेंड करता है आप कहाँ से लगवाए। ये बेसिकली 24,000 पर किलोवाट पंजाब में मिलती है। ठीक है सर। वायपेडा अबव 3 किलोवाट लेके चलें, 4 से 10 किलोवाट तक आपको मिलती है 12,000। ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 20% बनती है। ठीक है। अबव 10 किलोवाट आपको सब्सिडी नहीं है, वो बंद हो चुकी है। ओके सर। एट प्रेजेंट आपका नेक्स्ट पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या आती है वो बाद में पता लगे। तो सर आप जैसे कि आपने ये सिस्टम लगाया हुआ है जी सर, तो आप ये और भी किसी स्टेट में लगा रहे हो इस सिस्टम सर? बेसिकली हमारा काम चलता है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में। ठीक है सर। हम करते हैं। ठीक है सर। तो अगर आपको किसान भाई कोई भी आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में ही लगा सकते हैं? जी सर। ठीक है सर। इसके लिए बेसिक पॉसिबल मेरे हमारे 3-4 क्वेश्चंस पुट करेंगे हम। ओके, जैसे आपका सेंशन लोड कितना है उनका, कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है, क्योंकि ये ऑन ग्रिड पॉलिसी है और इसमें हम को बेसिकल लगाते क्यों हैं, हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो करने के लिए। ओके सर। इसी के लिए फर्स्ट स्टेप क्या, आपको जो भी भाई हमें कॉल करेगा या विजिट करेगा वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जरूर लेके आए नाल। ठीक है सर। तो सर आप कौन कौन सी कंपनियों का जो है सिस्टम ये लगा रहे हो आप? सर बेसिकली ये लगा हुआ है, ये इसमें लूबी कंपनी के पैनल्स लगे हैं, जो इन्वर्टर हैं वो एनफेस है, अमेरिकन प्रोडक्ट यूएसए से एक्सपोर्ट किए हुए हैं वो। ठीक है सर। वैसे हम ज़्यादातर करते हैं, डील करते हैं जो लूबी से, हमारे पास लूबी, हैवल्स, लुमिनस, ठीक है सर, विक्रम, अदानी, आपकी कौन सी चॉइस है हम आपको वही प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो इन कंपनियों के रेट भी अलग अलग होंगे? या वेरी करते हैं, देखिए ना आप, कई पर्सन होते हैं जो रेट देखते हैं, कई क्वालिटी है। हाँ जी। जो क्वालिटी चाहिए, जैसे इनको क्वालिटी चाहिए थी। ठीक है सर। इसने कॉस्टली हुआ है, इनका बेनिफिट भी है। नॉर्मली टेक्नोलॉजी देखें उसकी वर्किंग जो इन्वर्टर की होती है गारंटी मैक्सिमम 5 साल होती है। हाँ जी। इसकी 10 साल की कंपनी से है। ठीक है सर। तो ये कितना टाइम तक चल जाते हैं लगातार? सर इसकी 25 साल की वर्किंग गारंटी है। ओके। परफॉर्मेंस वारंटी होती है वो। ये तो नहीं है कि आफ्टर 25 साल आप ये खत्म हो गए ये तो उठा के फेंक देंगे। हाँ जी। 25 साल, 10-15 साल और चलता है लाइफ स्पैन इसका, 35 से 40 साल हैगा सर। ठीक है सर। ठीक। तो किसान भाइयों, आपने
उम्मीद करता हूँ कि जानकारी जो आपको मिली है बहुत बढ़िया जानकारी आपने ली होगी। तो किसान भाइयों, अगर आपका डेयरी फार्म में या आपके घर में आपकी जो बिजली की खपत है रोजाना की 12 से 13 यूनिट की खपत है, तो आप ये 3 किलोवाट का जो सिस्टम है वो लगवा सकते हो। अगर आपकी खपत इससे ज़्यादा है तो आपको 5 किलोवाट का जो सिस्टम है वो लगवाना पड़ेगा। तो अब मैं सर के जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो इनसे जब भी आप कॉन्टैक्ट करो तो सुबह 7 से लेकर शाम के 8 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हो।